नमस्कार डुगना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूँ मैं देवेंद्र सिंह। लॉकडाउन के चलते देशा के बख बख रियासतों च फसे जम्मू कश्मीर के लोगों की आने की उप प्रशासन की मुहिम जोर पकड़ लेता है। अठारह दिनों लखनपुर थमां सिड़कें के जरिए करीब 40,000 श्रमिकों विद्यार्थियों सने और लोगों की आनिया गया है। इस दौरान बुधवार 17 बसें थमां उत्तर प्रदेश ते बिहार के 683 मजदूरों की उनकी रियासतें भेजा गया। उत्थे गए दुए राज्यों फसे 4,228 लोग 315 गड्डियों थमां जम्मू कश्मीर पुजे। अगले 15 दिनों 50,000 थमां ज़्यादा लोगों की आने की तैयारी है। प्रदेश कुसै भी माध्यम थमां पुजने वाले करीब 1.25 लाख लोगों की क्वारंटाइन करने की तैयारी है। नए हालात प्रदेश के सबने जिलों से पुजने वाले इन्हें लोगों की क्वारंटाइन करने के बुनियादी ढांचा बनाया जा करता है। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता से योजना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल हुंदा गलाना है जे जम्मू कश्मीर देश का इकला ऐसा प्रदेश है जिहड़ा बाहर थमां आवा करदे सबने लोगों की क्वारंटाइन करिए संक्रमण की अगे बढ़ने थमां रोकने की जदोजहद करा करता है। इहदे गित्ते पूरी तैयारी की गई है। उन्हें तोड़ी पुजी दियां 4 विशेष रेल गड्डियां च कर्नाटक गोवा ते दिल्ली थमां करीब 4,000 लोगों की आनिया जा चुके दा है। उत्थे गए बुधवार शामी दिल्ली थमां रवाना हुई पहली यात्री ट्रेन अज बड़लै जम्मू पुजी। इस ट्रेन च करीब 1200 यात्री जम्मू पुजे जिंदी स्टेशन उपर गै कोरोना जांच की गई ते सैंपल लेइयै सभने की क्वारंटाइन केंद्र च भेजे दिता गया। रेलवे स्टेशन उपर सैंपल लैने गित्तै 18 बूथ बनाए गए। जांच रिपोर्ट नैगेटिव आने के मगरा इन्हें घर च क्वारंटाइन किया जाग। जेकर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इन्हें आइसोलेशन वार्ड च भेज दिता जाग। रेलवे स्टेशन उपर इन्हें यात्रियों का स्वागत स्टेशन डायरेक्टर चेतन त्रेजा ते जम्मू के SSP श्रीधर पाटिल होरें किया। जम्मू रेलवे स्टेशन उपर सभी औपचारिकताएं पूरियां करने के मगरा गए 48 इंतजाम किए गए ते इन्हें यात्रियों की ले जाने वाली बसें की बुधवार राती गए जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग च खड़ेरी दिता गया हा। पहली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है जो कि जम्मू से राइट दिल्ली से राइट टाइम चली थी। ये जम्मू में तकरीबन 40 मिनट पहले 5:05 पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। इसमें सभी पैसेंजर्स को एक एक करके कोचेस से उतारा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी प्लेटफॉर्म पर मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सारी डिटेल्स फिल इन की जा रही हैं, ली जा रही हैं सारी डिटेल्स, कहाँ इन्होंने डेस्टिनेशन जाना है। और इसी के साथ साथ जो इनका जो कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, वो प्रॉपरली की जा रही है, प्लेटफॉर्म पे ही की जा रही है। ये मैं बताना चाहूँगा कि हर तरह के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन किया जा रहा है और जो जितना भी हमारा जो स्टाफ है, हेल्थ पर्सनल है, जो भी फ्रंटलाइन स्टाफ है, सभी को PPE किट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं सो दैट वो इस वायरस से संक्रमित ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सभी हमारे पैसेंजर्स हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। जो ट्रेन अभी जम्मू पहुंची है उसमें से जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सभी लोगों को हम यहाँ पे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उनके सैंपल्स लेके, सैंपल्स लेने के बाद उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बसेस का और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करके, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट रखा है, बसेस का अरेंजमेंट रखा है और उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। जैसे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं उसके बाद तब तक हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगा और उसमें टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। जो जो टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आएंगे उसी हिसाब से उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। क्या तो कुछ टेंशन वेंशन नहीं रहा, बाकी सब चेकिंग वेकिंग हो गई, बाकी सब ठीक रहा, बस अभी सेफ रहा थोड़ा बहुत सेटल उनके नहीं। काफ़ी ठीक था और क्या था। मैं 2 महीने से फंसा हुआ था अम्बाला में, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जो है बहुत सारे वो क्या कहते हैं निकाले थे हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो अब जैसे ही ट्रेन की सर्विसेज खुली वैसे ही रजिस्ट्रेशन वालों का फ़ोन आ गया कि बसें स्टार्ट हो रही हैं, तो ट्रेन की सर्विसेज थोड़ी मेरे को सेफ लगी तो मैं यहाँ से आया। अब अच्छा लग रहा है वापस आके। ये तस्वीरें हैं जम्मू रेलवे स्टेशन दियां जिथे बाहरली रियासत जेडे लोग फसे दे उत्थां दा स्टेशन जेडे ट्रेनें दे जरिए लोगों की इत्थे आने जा करदा है ते इत्थे आला अधिकारी प्रशासन दे जेडे आला अधिकारी ओह भी मौके पर पुज्जे दे ते लोग जेडे पुज्जा करदे ने उन्हें क्वारंटाइन सैंपल लेइए उन्हें क्वारंटाइन किया जा करता है। उत्थे गल कर करचै जेकर उधमपुर की, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर च बाहरली रियासतें च फसे प्रदेश के लोगों की वापस आने के मकसद थमां श्रमिक स्पैशल ट्रेनां चलाईयां गईयां। इसे कड़ी चौथी ट्रेन स्पैशल श्रमिक ट्रेन तकरीबन 1200 यात्रियों लेइए अज उधमपुर पुजी। इहदे च दिल्ली थमां आने वाली ट्रेना भी शामिल ने। कन्नै गै जिहड़े लोग बाहर थमां आवा करदे उनके लिए सरकार पासिया पूरा इंतजाम किया गया है।
ते सभी औपचारिकताएं पूरी करने के मगरा गै उनेंगी अगे जाने की इजाजत दी जा करती है। इंदे स्टेशन पर गै बख काउंटर बनाए गए हैं, उत्थे गै लोग अपने प्रदेश आने पर प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में फंसे थे हम, तो आज यहाँ पे आ गया, वही ट्रेन आई उसके जरिए आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वहाँ पे भी फुल अरेंजमेंट किया हुआ था, अच्छे से हुआ और सही था बिल्कुल। और धन्यवाद सबका जो भी मतलब यहाँ पे पहुँचाया, अच्छा सही लगा। मेरा नाम दर्शन कुमार है भाई साहब। हम दिल्ली में 1.5 महीना रुके हुए थे और गवर्नमेंट की वजह से अब अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिलावर का रहने वाला हूँ और घर जाना चाहता हूँ। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम अपने घर पे अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। यही उधमपुर स्टेशन दी तस्वीर, जेडे लोग उत्थे पुजे बाहरली रियासत थमां उत्थे पुजे, उन्हें प्रशासन का शुक्रिया अदा किया कि उन्हेंगी इत्थे आणिया गया। उत्थे गै अगली खबर की गल करचै तां करोना वायरस थमां जान गुआने वाले जम्मू के प्रीतनगर इलाके के एक बुजुर्ग की अज पंतत्व च समाई दिता गया। इस बुजुर्ग की GMC अस्पताल च कुसै होर बीमारी करी भर्ती कराया गया, जिसने इतने कल खीरी साह लैता ते मौत दे मगरा किए गए टैस्ट च एक कोरोना पॉजिटिव निकलिया है। अज GMC अस्पताल थमां इस बुजुर्ग की लोड़ सेहत कर्मियों के कन्नै शमशान घाट पहुँचाया गया, जिथे ये परिवार के सिर्फ एक मैंबर ही है PPE किट पुआइए संस्कार करने की इजाजत दी गई, ते होर दुए रिश्तेदारें की शमशान घाट के अंदर नहीं जान दिता। हमने रात को भी दी है और ये डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाल के हमने जोगी गेट भिजवाई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई थी और डेड बॉडी वापस आ गई। और वहीं पे जहाँ हमने एक डेजिग्नेटेड जगह रखी है डेड बॉडीज़ की, जिसको हमने कोविड और कोविड सस्पेक्ट एरिया, मतलब दूसरी डेड बॉडी के साथ बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं, हमने सेपरेट रखा हुआ। और सुबह भी ये प्लान था हमारा 6:30 पर डेड बॉडी भेजेंगे, लेकिन इनकी तरफ से 2 ही बंदे आए थे, ज़्यादा बंदे नहीं थे, तो हमने बिल्कुल एम्बुलेंस तैयार करके रखी थी, हमारे लोग भी थे और अभी इनके कुछ लोग भी आए हैं और अपने बंदे हमने साथ लगा के डेड बॉडी को कोई 9:40 पे जो है जहाँ भी इन्होंने कर्मेशन करनी है वहाँ भेज दिया। हमारी तरफ से एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उसमें टेक्निकल यही प्रॉब्लम थी, इनके साथ बंदे नहीं थे और वो मुश्किल हो रही थी। तो अपने घर में डेथ हुई है, बेटर तो यही रहता कि वही लोग अपनी जो डेड बॉडी है उसको लेके जाएं, लेकिन उसमें कुछ समस्या ये आ रही थी, कुछ लोग उनमें विलिंग नहीं थे, तो फिर हमने अपने तरीके से अब पूरी प्रोटेक्टिव किट दे के अपने जो लोग थे उनके लोग को डेड बॉडी को लोड करा के एम्बुलेंस में भेजा था, लेकिन वो किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम की वजह से वो क्रीमेशन शाम को नहीं हो पाई और डेड बॉडी हमने बिल्कुल उसी डेजिग्नेटेड जगह पर रखी थी जहाँ पर हमने उसके लिए वो जगह बनाई। ये तस्वीर हैं जम्मू के प्रीतनगर दी जिहड़ियां कल करोना थमां जिहड़ी मौत हुई ही, उत्थे इहदा संस्कार जिहड़ा मरीज का किया गया। उत्थे गए जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम च तैयार किया गया क्वारंटाइन सेंटर अज शुरू हो गया है। 116 बैड के इस क्वारंटाइन सेंटर च अज दिल्ली थमां जम्मू पुजे लोगों की रखा गया। इत्थे पहले 87 ते उसके मगरा 37 लोगों की रेलवे स्टेशन थमां इत्थे पजाया गया, जिथे इनकी क्वारंटाइन समा पूरा करना हो उसके मगरा गै इनकी घर भेजा जाए। इतने पुलिस प्रशासन के अलावा सेहत महकमे के अधिकारियों की तैनात किया गया है, तो क्वारंटाइन किए गए इन्हें लोगों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा करता है। छावनी च बदले के इस क्वारंटाइन सेंटर च पुलिस का सख्त पैरा लाया गया ता कि ना तो क्वारंटाइन किए गए लोगों थमां कोई बाहर जा सके, तो ना गै बाहरला आदमी कोई अंदर आई सके। कैपेसिटी है इस टाइम पे 116 PPE की है, तो मॉर्निंग में 87 लोग आए हैं क्वारंटीन के लिए और 37 और आ रहे हैं एज पर द इंफॉर्मेशन। अंदर आई आके देख सकते हैं कि हमने क्या फैसिलिटेट किया हुआ, ठीक है, हमने प्रॉपर बेडिंग दी हुई है, ठीक है, सैनिटेशन यहाँ पे प्रॉपर है, खाना 3 टाइम का इनको प्रोवाइड किया जा रहा है और जो इनकी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वो हमने फुलफिल की हैं। बेसिकली जो अरेंजमेंट्स हैं उसके बारे में बता दूँ, from deboarding the train the system was very systematic, everything was very in a systematic manner basically, but jab hame bus se yahan pe laya gaya usme thodi si hame problem aayi kyunki pehle kuch quarantine centers inhone hi choose nahi kar rakhe the, pehle hame SOS school lekar gaya Gol Gujarat, but wahan pe ye selective hi nahi tha kuch bhi,
तो वहाँ पे सिर्फ 24 पर पर्सन को भेजा गया था, फिर उसके बाद हमें यहाँ लाया गया। बट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, खाना अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है। ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारे लिए सेफ्टी है, हमारे परिवार के लिए सेफ्टी है, सोसाइटी के लिए सेफ्टी है, और मेरे लिए तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बट काफ़ी सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, कुछ नहीं होना चाहते, ज़्यादातर लोग नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें होम क्वारंटाइन किया जाए। बट मैं पर्सनली अपना राय दूँ तो मुझे लगता है कि क्वारंटाइन होना चाहिए। बाहरले रियासतें जेड़े भी लोग फसे दिन इसलिए ट्रेनें दे जरिए जम्मू पुजा करते हैं, तो उन्हेंगी प्रशासन पासिया क्वारंटाइन सेंटर च रखा जा करता है। जेड़े भी लोग अज भी कई लोग आए जेड़े कि मौलाना आजाद स्टेडियम च क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उन्हेंगी उत्थें भेजा गया उत्थे गया। गल करचै अगली खबर है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम च चिरे राती आतंकियों के सुरक्षा वाले च टाकरे की खबर आई, तो वह बड़े तकर जारी रहा। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के जमरच इलाके एनकाउंटर शुरू हुआ, पुलिस के सुरक्षा वाले मोर्चा सांभे रहा। होटल कारोबारियां एम एस एम ई ते रियल स्टेट सने किश होर सैक्टर के तहत वित्त मंत्री पासिया घोषित किए गए 6 लाख करोड़ के पैकेज का स्वागत किया। कन्ना गोना पर्यटन क्षेत्र की भी नरे अंदाज करने पर नाराजगी जताई। होटल कारोबारियां लॉकडाउन का हवाला देंदे हुए होटल इंडस्ट्री की भी राहत देने की मांग की है। होटल कारोबारियां भी सरकार थमां आर्थिक पैकेज देने की मांग की है, ताकि भी वह सुखा का साह ले सकन। के कारण तो इसका बिजनेस जीरो रहा, और आने वाले दिन चाहे 6 महीने साल हो, यहां बिजनेस ना के बराबर है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको स्पेशल इंस्टेंट रिलीफ होना चाहिए इन दी शेप ऑफ बिजली के पावर्स के बिल्स, और साथ साथ में वाटर टैक्सीज और म्यूनिसपैलिटी टैक्सीज और इंटरनेट चार्जेस, और जहां तक फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एम्प्लॉयज, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज जो रखे हुए हैं उनको देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इंस्टेंट रिलीफ इन दी शेप ऑफ लोन ग्रांट। इस बार की त्रासदी जो है बहुत बड़ी है, कोरोना वायरस की त्रासदी से उभरने के लिए मुझे लगता है हमें अभी 2 साल का वक्त लग जाएगा। लोगों के दिल में डर होगा, लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे, और जब तक लोग घरों से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा टूरिज्म जो है जम्मू का वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा आर्थिक पैकेज, खासकर टूरिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं, शॉल वाले, ढाबे वाले, लॉजिज वाले, इन सब के लिए ऐसा आर्थिक पैकेज बनाया जाए जिससे कि इनको मदद मिल सके और ये भी अपना जो घर है वो सही ढंग से चला सके। गल करने हुन अगली खबर दी, आल आटो स्पेयर ते रिपेयर एसोसिएशन ने प्रशासन पर अणदिखी का आरोप लाया। एसोसिएशन के प्रधान बिशंबर दास हुंदे मुताबिक एक पास प्रशासन इलैक्ट्रॉनिक ते हार्डवेयर दी दुकानें की खोलने की इजाजत दी है, पर आटो स्पेयर पार्ट ते मकैनिकें की अपना कामकाज शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा करती है। बिशंबर दास हुंदे मुताबिक उनका काम भी जरूरी सेवाएं कन्नै जुड़ेदा है, पर इस वक्त सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वालों को रिलैक्सेशन दी गई है और हार्डवेयर वालों को दी गई है, अदर साइड को दी गई है, तो ऑटोमोबाइल को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती? हम ये 4 बार 10 बार बोल चुके हैं हर चैनल पर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान नहीं देती? एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ नहीं सुनती? ये चीज़ें हम बार बार रख रहे हैं, जब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे बिल्कुल लो लेवल पे लोग मैकेनिक काम करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो हम किसको बताएं? एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। हमारी जो 2-व्हीलर और 3-व्हीलर एसोसिएशन है वो बिल्कुल एक्सेलसर सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे जो जवान हैं जो जॉब पर जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल के हैं, उनकी स्कूटीज खराब होती है, उनका 2-व्हीलर खराब होता है, उनका 3-व्हीलर खराब होते हैं, वो कहाँ जाएंगे रिपेयर कराने के लिए? इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग हमें घर पे कॉन्टैक्ट करते हैं। गल करने अगली खबर दी, हुण जिथे एक पासे जम्मू कश्मीर के मजदूर पलायन करा करते हैं, उत्थे गए जेकर गल करचै किश मजदूरें की, तो वह अपने रियासत नहीं जाना चाहते। जेकर गल करचै जम्मू कश्मीर के डोडा की, तो उत्थे
जेड़े लोग सड़क के कंडे रेड़ी लाने का काम करा करते हैं उन्हें गलाया जे सरकार उनकी लगातार मदद करा करती है तो उनका और के गलाना है आओ दिखने आ। लॉकडाउन के बजाय तो हम इधर ही रुक गए थे सर, बाकी हमारे को कोई परेशानी नहीं है। इधर इधर के आदमी भी अच्छे हैं, मुलाजम भी अच्छे हैं। जब दुनिया सभी हमारे आगे आई हम ठीक हैं, इधर उधर से इधर ठीक हैं। हम इधर लॉकडाउन के वजह से फंस गए थे, अब ठीक हैं। मेहनत तो मजूरी करते हैं, इधर खुश हैं हम, ठीक हैं। हाँ बढ़ गई थी जब लॉकडाउन दिन दिन बदलने लग गया, फिर टेंशन हो गई थी भाई हमारा क्या होगा। अब फिर यहाँ के आदमी अच्छे हैं, मुलाजम अच्छे हैं, हमारी बहुत मदद की उन्होंने, अच्छा हमारे को उन्होंने रखा, राशन दिया, सब कुछ मिला हमारे को। इधर के आदमी ने बहुत हमारी मदद की सर। नहीं हमारे को महसूस कभी भी नहीं होने दिया। वो ऐसे सर उन्हों को खाना नहीं मिला होगा, वो भूखे प्यासे जैसे थे दिल्ली के लोग, वो तब निकले थे। हमारे को सब कुछ यहाँ मिल रहा है, खाने पीने को सब मिल रहा है हमारा, अच्छा है। यहाँ के लोकल आदमी भी सरकारी आदमी भी अच्छी मदद कर रहे हैं हमारी। आप कितने साल से यहाँ? इधर हमारे को 15-20 साल हो गए सर। क्या काम करते हैं? हम कपड़े कुपड़े बेचते हैं, दवाई दवाई बीज भू बेचते हैं, मसाला मसूला बेचते हैं। इसीलिए नहीं गए, इधर के लोग अच्छे थे, उन्होंने राशन वगैरह दिया है, सब कुछ दिया हमारे को, मदद बहुत ज़्यादा अच्छी की हमारी। इसकी वजह से नहीं, ना उधर बीमारी थी ज़्यादा, इसकी वजह से नहीं गए, इधर ही रुके। हमारे बच्चे भी इधर ही आधे इधर है, वैसे आधे पंजाब में है। इधर 15-20 साल से इधर ही रह रहे हैं, इधर से ही रह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे इधर डीसी सरकारी मुलाजिमों ने सब कुछ दिया है हमारे को। सरकारी मुलाजिम थाने वाले ने भी, डीसी ने भी, जैसे फीम डॉक्टर ने भी राशन दिया हमारे को, जैसे तहसीलदार ने भी दिया है, ऐसे सब ने दिया हमारे को। ऐसे शबीर ने भी जो इधर पर्ची संडे मार्केट को पर्ची काटता था, उसने भी हमारे को अच्छा राशन दिया है, उसने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी हमारे को। वैसे इधर के लोगों ने हमारे को उधर जाने का मौका ही नहीं दिया कि इधर ही रुको बस, अच्छा है तो इधर ही रखो। इतना बहुत है। तो यहाँ के लोगों की तरफ से आम लोग क्यों, लोग भी सामने आए? जो लोग आए हैं उनको यही बोला हमारे को जो दिया है राशन में, हमें उसको यही बोला है कि हमारे को ठीक, इधर ठीक ही है, कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज़ का डर लगा आपको? नहीं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं हमारे को, एक ऊपर वाले का डर है, बाकी किसी का डर। यह डोडा के लोग जेड़े बाहरली रियासतें थमां इत्थे कम करने आ रहे, रेहड़ी फड़ी लाइए अपना गुजारा करा करदे न, उनका गलाना हजे प्रशासन पासिया उनेंगी पूरी सहायता दी जा करती है, जेड़ी भी सहूलत उनेंगी चाहिए होंगी है वो प्रशासन की आखदे, ते जेड़े प्रशासन पासिया उनेंगी वो सहूलत दी जा करती है, चाहे खाने पीने की होए चाहे कोई और सहूलत। जेड़े उत्थे मुकामी बसनीक न वह भी इंदी पूरी हेल्प करा करते, पूरी मदद इंदी लई अग्गे आवा करते हैं। इंदा गलाना हा जे अस इत्थे गै खुश न। हुण गल करचै अगली खबरां दी, तां देशा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस महामारी दे दौरान सभनें संस्थाएं गी अपने कर्मचारियों की तनखाह देने की अपील की ही, पर जम्मू कश्मीर च PM दी इस अपील के बावजूद भी PDD दे दिल्ली विच अपने मान दे गीता प्रदर्शन करने की मजबूर न। इन्हें लोगों आरोप लाया जे पिछले 10 महीने थमां महकमे पासिया उन्हें मानदेह नहीं दिता गया, जिस करी वह मती आर्थिक तंगी का सामना करा करते हैं। इन्हें लोगों के मुताबिक वो कई बारी अपने मानदेह की लेइयै महकमे के अधिकारियों थमां भी गुहार लाई चुके हैं, पर उनके पासिया इस वक्खी कोई ध्यान नहीं दिता गया। PDD में से 2009 से काम कर रहा हूँ और हमारी कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है। हम सुबह घर से 7 बजे चलना शुरू हुए थे, सुनकोट 12-1 बजे पहुँचे हैं हम पैदल। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बोल रहे हैं, बार बार हमने लिस्ट बना के भेजी हुई है, हमें कोई तनख्वाह नहीं, कोई वेजेस नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं। अब आपको मालूम है कि हमारा इस टाइम कोई धंधा, कोई काम नहीं चल रहा है। तो हमें गवर्नर साहब से के आगे भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चीफ साहब के भी और MD साहब से भी, कि हमारे कुछ ना कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी भूखे हैं, हम हमारा काम कोई आवाज़ कि हमारी सैलरी जो है, हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी चीफ साहब ने यहाँ से भेजा, ये अक्सेन साहब ने पुंछ से भेज दिया है, लेकिन 6 महीने से हमें जो है सैलरी नहीं मिल रही है और लेफ्ट ओवर में हम, और हमारा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से इस वक्त हो रहा है, और हमारे पास कोई लिफ्ट नहीं है कि हम जो आपने मुतालबात जा में कोई वेजिस कोई वगैरह कुछ नहीं मिला, तो हमें लेफ्ट ओवर में डाल दिया। आज तक हमें जो है बाकी लड़कों को पे दे रहे, हमें नहीं दे रहे। तो हम 63 लड़के हैं
तो आज तक हम पे हमारी जो लिस्ट है उस पर गौर नहीं किया जा रहा है, वो चीफ ऑफिस में पड़ी है ना, एमडी मैडम के पास जो है नहीं पहुँचाई इन्होंने, तो लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है कि उस पर थोड़ी गौर की जाए, हमें वेजेस दी जाए ईद के दरमियान, तो हमारी जो है बस यही मांग। ये है पीटीडी दे डेली वेजर जड़े अपनी महकमे थमां जड़ा मानदे हुंदा है उनेंगी देने की गल करा करदे, इंदा गलाना कि उन्हें पिछले 10 महीने थमां मानदे नहीं थोया, जिस करेगी उनेंगी हुण घर चलाना भी मुश्किल होआ करदे, उंदे माँ प्यो बच्चे जड़े आर्थिक तंगी का सामना करा करदे न। उत्थे गै जम्मू च अज मौसम बिगड़ने कन्नै तापमान भी घटी गया, चिरै राती समान्य पर काले बादल छाई गए थे, बडलै 9 बजे के करीब बरखा पौने करी मौसम बदली गया, पिछले किश दिनें थमां तापमान बधने करी गर्मी होई गई ही, पर अज बरखा होने करी कुछ हद्दै तकर तापमान च बदलाव थमां उन्हें सुख का साह लैता है, अजे के किसानें दे चेहरे पर मजूसी दिखी गई। लॉकडाउन के दौरान लोगों की कई परेशानियों का सामना करना पवा करता है, पर गर्मियों के इन दिनों लोगों की पीने ते राई बाई ते जड़ा पानी की समस्या का परेशानी होआ करती है। गल करचै जेकर रियासी के पौनी ब्लाक की, तो उत्थे दे किसान भी इले परेशान, उनका गलाना है जे उन्हेंगी राई बाई लई पानी की मती परेशानी का इसलिए सामना करना पवा करता, उनका के गलाना है आओ देखने। आम इंसान हो या फिर किसान, जम्मू कश्मीर में पानी को लेकर दोनों ही हैं परेशान। जहां पानी की सप्लाई ना होने से गर्मी के इस मौसम में आम लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं जिला रियासी के ब्लॉक पोनी की गयोड़ पंचायत में पानी ना मिलने से किसानों के खेत भी सूख रहे हैं। यहां के किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के चलते उनकी फसलें सूख रही हैं और विभाग के मुलाजिम घरों में बैठ कर मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं। हमको परेशानी सर ये है कि हमारी जो इरीगेशन की नहर है अभी तक सूखी पड़ी है, इसमें बियाबान जंगल बना हुआ है। हमारी खेती की हालत देखी जाए, ये खेती है हमारी, ये सूख कर राख हो गई है, तो महकमा कहाँ सो जा हुआ है, महकमा तनख्वाह किसकी ले रहा है, एक गैंग कुली बेचारा छोड़ा हुआ है गरीब आदमी, उसको ना तनख्वाह है, उनको बोलते हैं 2 आदमी लगा लो 3.5 किलोमीटर की नहर बना दो, वो कहाँ बनाई उसने नहर, तो कम से कम किसी एजेंसियों को जहाँ भेज कर हमारी कूल का मुआयना किया देखा जाए हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हमारी खेती देखी जाए, अभी ट्रैक्टर की क्या लेबर है, इंसान की क्या लेबर है, वो बीज का क्या रेट है, ये बीज है सूखा पड़ा हुआ। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई के लिए 80 वर्ष पहले इस इलाके में नहर का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में सिंचाई विभाग द्वारा इसकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही, जिससे वो खेतों की सिंचाई से वंचित हो रहे हैं। इरिगेशन का ये हाल है कि हमारी नहर है कोई 3.5 किलोमीटर, तो ना कोई रिपेयर हो रही है, ना ही ये कोई 85 साल पहले की नहर बनी हुई है, तो आप तो हाल देख सकते हैं हमारी फसल का, ये लहसुन लगाया हुआ है, प्याज लगाया हुआ है, और भी भिंडी लगाई हुई है, तो लॉस ही लॉस है हमें, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, खेती कैसे कर पाएंगे अगर हमें पानी नहीं मिल पाया। नहर तो बनी है लेकिन नहर की इतनी बुरी हालत है कि उसको मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है, मैं तो चाहता हूँ कि ये नए सिरे से बननी चाहिए, कि 80 साल पुरानी नहर वो कितने देर सरवाइव कर पाएगी। सिंचाई यह जिला रियासी के पौनी ब्लाक के किसान जेड़े सिंचाई महकमे थमां जी उत्थे नहर बनाई गई है उसकी मरम्मत की गल करा करते, इनका गलाना है कि नहर तो बनाई गई है पर उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिस करी उत्थे उनेंगी पानी नहीं थोआ करता है, राई बाई वास्ते उनेंगी पानी नहीं थोआ करता है। अज्ज दे डुग्गर नामे च बस इन्ना गै, हुण तुस दिओ इजाजत, नमस्कार।